ये तो हो गई इसकी रटी रटाई बातें जो इसके पैकेट में भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि आप ये सुनने तो यहाँ नहीं आए होंगे, सो वो बताते हैं जो आप सुनने आए हो यहाँ पे। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूल वन के भरोसे नहीं बैठना है। सो हे या गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई होप कि आप सबका दिन अच्छा जा रहा हो। अभी मैं देहरादून से घूम के आया और मैंने जो ब्लॉग्स अपलोड किए उस पर जो आपने प्यार दिखाया, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड जो देहरादून के ब्लॉग्स मेरे स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि मैं देहरादून जाने से पहले एक प्रोटीन लिया था, दैट इज़ मसल ब्लेच का फ्यूल वन, और उससे रिलेटेड काफ़ी मैसेजेस आए मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा क्यों उसके रिव्यू पे एक वीडियो बना दी जाए। सो या हियर इट इज, दैट इज फ्यूल वन का वे प्रोटीन इम्यूनिटी प्लस। सो मैंने यहाँ लीची फ्लेवर ऑर्डर किया था, मैंने बताया था आपको। सो आज इसका एक बेसिक सा रिव्यू करने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप अगर इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको यही बताया जाएगा कि इस प्रोडक्ट में है क्या चीज़, इसका स्कूप साइज कितना है, आपको सर्विंग्स कितनी हैं, एंड फ्ला फ्ला फ्ला। बट ऑनेस्ट रिव्यू, जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे ऑनेस्ट रिव्यू ही दिया जाता है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेकार है तो उसको मैं बताता भी हूँ कि हाँ ये बेकार, ऐसे मत लो। सो हियर इट इज़, तो मैं इसका एक रिव्यू देने वाला हूँ आपको। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। सो इस प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। इस प्रोडक्ट में जो स्कूप है वो 33 ग्राम का है, जिसमें कि आपको 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। ई डब्ल्यू की बात की जाए तो 11.28 ग्राम, एस ई डब्ल्यू की बात की जाए तो 3.65 ग्राम, और एन ई डब्ल्यू यानी कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल की बात की जाए तो 9.07 ग्राम मिलता है आपको। साथ ही साथ इसमें जो बी सी डबल है वो 5.2 ग्राम है, एंड ग्लूटामाइन जो इसके एक स्कूप से मिलता है वो 4.29 ग्राम। सो अब इस प्रोडक्ट के बारे में दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको जाननी चाहिए, यानी कि इट कंटेन 100% आरडी ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी, साथ ही साथ इट कंटेन 100% आरडी ऑफ जिंक। अब आरडी यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अब जिंक की बात की जाए तो पर डे एक मेल को 11 mg की रिक्वायरमेंट होती है और फीमेल को 8 mg की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो हो गई इसकी रटी रटाई बातें जो इसके पैकेट में भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि आप ये सुनने तो यहाँ नहीं आए होंगे, सो वो बताते हैं जो आप सुनने आए हो यहाँ पे। सो ये अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इस पैकेट में प्रिंटेड है 999, और अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो आपको 100 rupees ऑफ मिलेगा, और मैं कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से उसे कॉपी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर इसकी बात की जाए मिक्सिबिलिटी की, तो यार मिक्सिबिलिटी तो काफ़ी अच्छी है, मतलब 2-3 बार शेक करने के बाद ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। फिर भी मैं इसे इसकी रेटिंग जो करूँगा 10 out of 9.5। एंड इन्होंने क्लेम किया है कि ये इस पैकेट में 15 सर्विंग दे रहे हैं। सो या ये 15 सर्विंग है, और इनफैक्ट ये लास्ट सर्विंग बचा हुआ था मेरे पास, मैंने सोचा कि ख़त्म हो जाए इससे पहले मैं इसका वीडियो बना देता हूँ। सो आज ये ख़त्म होने वाला है। सो अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको पूरी तरह से ध्यान से सुनना है। सो अगर एक आप लिफ्टर हो, यानी कि आप डेली अपने सेट्स में वेट इंक्रीज करते हो, तो आपको इस प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ये आपके प्रोटीन गोल को हिट करने में तो मदद करेगा, बट ये आपको अच्छी रिकवरी नहीं देगा। अब जाहिर सी बात है वी ऑल आर इन मिडिल क्लास फैमिली, तो हम अलग से BCAA अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमें अपना प्रोटीन गोल भी हिट करना होता है, और हम सोचते हैं कि हमारे प्रोटीन में ही हमें अच्छा खासा BCAA मिल जाए जिससे हम अलग से ना लें और हमारी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हो जाए। सो यस, तो आपको इस प्रोडक्ट पर रिलाय नहीं करना है। आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई अच्छा वे प्रोटीन ले लो, साथ साथ में आप इसे रख सकते हो, शाम के मील के तौर पे इसे आप कंज्यूम कर सकते हो, बट आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूल वन के भरोसे नहीं बैठना है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये अच्छी रिकवरी नहीं देता है। सो अगर रिकवरी और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैं इसे रेट करूंगा 6 out of 10। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप कोई अच्छा सा वे प्रोटीन ले लो अगर आपके पास बजट है तो। अगर आप 1-2 महीने यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म भी यूज़ करते हो तो कुछ आपको साइड इफेक्ट दिखेंगे। साइड इफेक्ट ऐसा नहीं कि इससे कुछ आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, मतलब कुछ आपको डिमेरिट होंगे इससे, बट ये अच्छी रिकवरी नहीं देगा। अच्छी रिकवरी के लिए आप कोई अच्छा सा वे प्रोटीन ले लो जो लैब्डो से सर्टिफाइड हो। अच्छा हाँ, जो लैब्डो से सर्टिफाइड हो, मुझे इस बात से याद आया कि पिछले महीने मैं स्क्रॉल कर रहा था, फीड स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक ब्रांड का नाम दिखा। अब ब्रांड का नाम बताऊं उससे पहले एक चीज़ सुन लो कि लैब्डो से सर्टिफाइड होता कौन है, मतलब जो अपने प्रिंट पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स वो लिखे होते हैं, जो जितने वो इंग्रेडिएंट्स क्लेम करते हैं, वो सारे के सारे
पाए जाते हैं उनके प्रोडक्ट में, और कुछ भी चीटिंग वो नहीं करते। वो ब्रांड लैब्रो से सर्टिफाइड, यानी कि उस ब्रांड का वो प्रोडक्ट लैब्रो से सर्टिफाइड होता है। सुया, अब मैंने देखा एक ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा बिकॉज होता है ना, मतलब ऐसे वो क्लेम कर देंगे वीडियो पे, बट उन्होंने लिखा हुआ था कि वो 33 ग्राम के स्कूप में 12 ग्राम प्रोटीन देते हैं। तो आप इसके परसेंटेज का अंदाजा लगा लो कि कितने ग्राम वो प्रोटीन दे रहे हैं उस पूरे स्कूप में। ठीक है, 33 ग्राम की स्कूप में वो 12 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं, और हमारे काफी अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर भैया हैं, उसे वो प्रमोट कर रहे थे। सो यार, मैंने देखा कि यार एक तो प्रोटीन साइज काफी कम है, ठीक है, और आप लोगों को बेवकूफ बनाया। पहली बात कि आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ ऑफ 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन दे रहे हैं। आप जाके देखना, लैब्रोस की वेबसाइट खोलना, और उसमें देखना कौन कौन से इंडियन ब्रांड वहाँ पे लैब्रोस से सर्टिफाइड हैं, सब देखना, आपको पता चल जाएगा। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, आप जाके देख लेना अगर आप इच्छुक हो तो। और अभी मैं वॉर्न कर रहा हूँ आपको, उस ब्रांड का प्रोटीन नहीं लेना, वो काफ़ी कोई भी फ़ायदा नहीं देगा आपको। यानी कि 33 ग्राम में आपको कितना, 12 ग्राम, सो एक 50% से भी कम वॉल्यूम में आपको वो प्रोटीन दे रहे हैं। सो या यार, उसको आप अवॉइड करना। और ऐसे भी आप अगर थोड़ा सा माइंड यूज़ करोगे तो ऐसे प्रोडक्ट को आप हटा ही देना अपने लिस्ट से, तो ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ मत करना। खैर, इसकी बात की जाए तो यार मैंने देखा हुआ है कि इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। मैंने बताया ही परफॉर्मेंस के लिए आपको कुछ और प्रोटीन लेना पड़ेगा, बट जिस महीने आपका बजट कम है उस महीने आप इसे यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए, तो मैंने यार अभी तक कोई साइड इफेक्ट इससे पाया नहीं है, और 15 दिन हो गए मुझे यूज़ करते हुए। मैंने दिखाया आपको लास्ट स्कूप बचा हुआ है मेरा, सो मुझे ऐसे कोई पैसे नहीं मिले मसल प्लेस से, मैं अभी कोई स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ। बट या सो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे इस प्रोटीन पे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ, उससे आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मेरा एक कंटेंट हो जाएगा मेरे लिए। सो काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं आ रहे थे, उसके लिए सॉरी यार। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। सी यू वेरी सून द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप मुस्कुरा। पीस।